हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अपने लिए पानी गरम, जो मैं रोज़ पीती हूँ। गरम पानी लेकर चलते हैं बाहर और बैठ जाते हैं आंगन में, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं थोड़ी देर और पीते हैं इस पानी को। इस पानी को चाय की तरह पीती हूँ मैं, सिप सिप करके, और फटाफट से जो है पानी पी लेती हूँ अपना। गर्म पानी पीने के बाद चलते हैं हम अपना रोज़ का काम करने के लिए। तो रोज़ का हमारा आजकल क्या काम है, क्योंकि जब से 32 बार फॉर्मूला और एक्सरसाइज स्टार्ट किया, मॉर्निंग का रूटीन ही हमारा चेंज हो गया है। और तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज। तो यहाँ मैं जितनी भी एक्सरसाइज करती हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ एक्सरसाइज जो है मैं खड़े होकर करती हूँ, और कुछ एक्सरसाइज जो है मैं बैठ कर करती हूँ, और कुछ एक्सरसाइज मैं लेट कर करती हूँ। तो आज मैं आपको अपनी सारी एक्सरसाइज दिखाऊंगी कि मैं इन एक्सरसाइज को कैसे कैसे करती हूँ और इनसे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। 32 बार फॉर्मूला से तो मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरे मुंह का फैट, जो मेरे गले में और जो मेरे गालों में फैट जमा हो गया था, आपको पता है हमारी चिन में, चिन के नीचे जो है, ठुड्डी के नीचे जो है फैट जमा हो जाता है, जो देखने में बहुत गंदा लगता है, तो उसमें भी मुझे फ़र्क दिखा है और मेरी बॉडी में भी मुझे फ़र्क दिखा है। एक्सरसाइज से मुझे बहुत फ़र्क हो रहा है। और आजकल हम सुबह और शाम 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो सके वॉक करने भी जाते हैं। तो एक्सरसाइज हमको ऐसी करनी चाहिए कि जब तक हमारा पसीना ना निकले। बिना पसीना निकले हमें एक्सरसाइज करे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब पसीना शरीर से निकलेगा तभी हमारी बॉडी से जो है फैट जो है पिघलेगा। तो मेरा पसीना तो निकल ही जाता है, और आपको मेरे शरीर में फ़र्क दिख ही रहा होगा कि कितना मुझे फ़र्क हो रहा है। तो फटाफट से जो है मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और हर एक्सरसाइज को मैं 50 बार या 100 बार करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं कम करती थी, और अब मैं जो है धीरे धीरे मेरी बॉडी को इन एक्सरसाइज की हैबिट होती जा रही है, तो मैं गिनती बढ़ा देती हूँ। जैसे पहले मैं इसको 50 बार करती थी, अब मैं इसको 100 बार करती हूँ। तो अब मुझे आदत हो गई है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शुरू शुरू में जो है हमारे शरीर को एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ढलने में भी टाइम लगता है, तो अब मुझे आदत हो गई है तो मैं प्रॉपर कर लेती हूँ। कुछ एक्सरसाइज को 10 बार 20 बार, और कुछ को 50 बार, और कुछ एक्सरसाइज को मैं 100 बार करती हूँ। जहाँ तक मेरा, मुझे लगता है कि मेरा शरीर इसको हैंडल कर लेगा, तो वहाँ तक मैं जो है करने की कोशिश करती हूँ। तो ये एक्सरसाइज मेरी बैठकर हैं, अभी मैंने आपको खड़े होकर अपनी एक्सरसाइज दिखाई थी, और ये एक्सरसाइज मेरी बैठकर हैं। और अब मैं करूँगी अपनी लेट कर जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ उनको। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं सुबह और शाम 2 बार करती हूँ। आधा घंटा लगाती हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है मेरे को इन एक्सरसाइज करने में। और पहले वॉक करने जाते हैं सुबह शाम, और उसके बाद फिर मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ। तो जब हमें कुछ चीज़ हमने शुरू की है और उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे फ़ायदा देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको प्रॉपर आगे को करती रहूँ और इसको छोड़ूँ ना। तो ये एक्सरसाइज भी, इसको भी मैं करती हूँ इसी तरीके से। देखिए ये लेट कर वाली मेरी एक्सरसाइज है, ये जो मैं कर रही हूँ इससे जो है मेरा जॉ का फैट जो है मेरा कम हुआ है ये एक्सरसाइज से। और ये इसको भी मैं, अब मैंने पहले 50 बार करती थी, अब मैंने इसको 100 बार करना शुरू कर दिया है। ये है साइकिलिंग, इसको भी मैं 100 बार करती हूँ, और कुछ एक्सरसाइज को 10 ही बार करती हूँ। इसको मैं 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाती हूँ। और इसको पूरा करने के बाद अब मैं इसको 10 बार करती हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी अभी स्टार्ट की है, तो मैं प्रॉपर उठ नहीं पाती हूँ। इस तरीके से पकड़ लेती हूँ पहले पैरों को, फिर मैं उठने की कोशिश करती हूँ, और 10 बार मैं इसको करती हूँ। धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी। और अब यहाँ पर मेरा ये योगा हो रहा है, इसको मैं मॉर्निंग और इवनिंग में 10 मिनट करती हूँ डेली एक्सरसाइज करने के बाद। और इससे जो है बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है, और पसीना बहुत निकल जाता है लास्ट में, आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे पर फ़र्क। और नहा धोकर आ गई हूँ मैं किचन में, आज मैंने पहले ही नहा लिया था, क्योंकि आज है गंगा द्वार दशहरा। गंगा द्वार दशहरा क्या होता है यह आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो अभी आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बेटा आ गया है, ये स्कूल जाएगा, तो फटाफट से जो है मैं पहले भगवान जी का भोग बनाकर निकाल लेती हूँ, उसके बाद बेटे को नाश्ता दूंगी, फिर अपने लिए भी बनाकर रख दूंगी। और फूल आ गए हैं पूजा करने के लिए, फटाफट से जो है मैं पूरियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि त्योहारों के टाइम में हमारे वहाँ तवा नहीं लगाते हैं, मतलब तवे में कोई भी चीज़ नहीं बनाते हैं। इसी तरीके से पूरी बना लेते हैं या हलवा बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं, तो मैंने पूरी बना ली थी। अब मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई हूँ और पी लेती हूँ गुड़ वाली चाय। चीनी वाली चाय नहीं है, गुड़ वाली चाय है, और ये है
जो हमारी बिल्ली ने जो बच्चे दिए थे अब इतने बड़े हो गए हैं देखिए। और इनके इस यहाँ पर रिलैक्स करने के बाद अब मैं आ गई हूँ कमरे में, बेड साफ़ कर लेती हूँ और चादर बिछा लेती हूँ फटाफट से। और अभी काम करना है मुझे बहुत सारा, और फुट मैट मैंने उठा ली है और फटाफट से लगा लेते हैं अब झाड़ू। झाड़ू लगानी होती है, 4-5 जगह झाड़ू लगानी होती है, तो फटाफट से जो है मैं अपना झाड़ू लगाने का काम पूरा कर लेती हूँ। काम करते करते भी मुझे पसीना आ गया था, आज मैंने नहा लिया पहले इसीलिए। और यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा। यह है गंगा द्वार दशहरा। गंगा द्वार दशहरा को सबसे पहले मंदिर में लगा लिया है और अब हम लगाएंगे दरवाजों के ऊपर। हर दरवाजे के ऊपर जहाँ से हमारे कमरे के अंदर एंट्री होती है वहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। इससे कहा जाता है घर में बिजली नहीं गिरती है, जो आसमान से बिजली गिरती है इससे नहीं गिरती है, ये हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। गंगा द्वार दशहरा, इनमें किसी में शिव जी की फ़ोटो बनी है, किसी में लक्ष्मी जी बनी है, किसी में शंकर जी बने हैं, किसी में हनुमान जी बने होते हैं, किसी में गणेश जी बने होते हैं, और किसी में इस तरीके से रंगोली बनी होती है। तो ये मेरा नाश्ता है, 3 पूड़ी, आलू और हरी सब्जी और चाय। तो इनको मैं लेकर आराम से बैठ जाऊंगी, अब मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं 32 बार फॉर्मूला को आजकल जो है यूज़ कर रही हूं, इस्तेमाल कर रही हूं, तो इससे फ़ायदा भी हो रहा है। तभी मैं जो है खाना खाते समय जल्दीबाजी नहीं करती हूं, आराम से नाश्ता करती हूं। नाश्ता हो, दिन का खाना हो या रात का खाना हो, तीनों को मैं आराम से खाती हूं, और इसमें मैं खाने में जल्दीबाजी नहीं करती हूं, चबा चबा कर खाना होता है इसको, ताकि जो है खाना अच्छे से हमारी बॉडी में जाए और अच्छे से पच जाए। मोटे मोटे से बाइट नहीं खाना है, छोटे छोटे से टुकड़े बना लेने हैं, और उसके बाद जो है चबा चबा कर हमको अपना खाना फिनिश करना है। और यहाँ पर मैं अपना जो है खाना मैंने खा लिया है, अब मैं आ गई हूँ किचन में। बहुत सारे बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना पहले किचन ही साफ़ कर लिया जाए। किचन साफ़ कर लेंगे, बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। नाश्ता बना ही दिया था, सबने खा ही लिया है, और बर्तन धोने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। यह है मेरी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे दो काम होते हैं, एक तो बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ की, पैर की, कमर की, और उसके बाद जो है कमरे में पोछा जो है पूरा साफ़ हो जाता है। मुझे एक आदत हो गई है, जब तक मैं इससे पोछा ना लगाऊं, वाइपर से लगाओ या वैसे लगाओ, लगाने को तो कभी लगा ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगाते हैं, बट मोस्टली जो है ज़्यादातर मैं इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, और यहाँ पर भी मैं जो है पोछा लगा लूँगी, और जो गंदगी दिखती भी है जो है इस पोछे से क्या होता है कि अच्छे से जो है घिस घिस कर पोछा लग जाता है, और कमरा जो है टाइल पूरे अच्छे से चमकने लग जाते हैं, नए टाइल हो जाते हैं, इतने साफ दिखते हैं। इसे पंखा चला दिया था मैंने, और जो है ये सूखते भी जा रहा है। उसके बाद जो है मैं फुट मैट बिछा दूंगी। ये सारा काम करने के बाद आ गई किचन बाथरूम में, और धो लेती हूँ फटाफट से कपड़े, आज मशीन नहीं लगाई है मैंने। और कपड़े धोने के बाद चलते हैं छत में, और बहुत धूप हो रही थी। यहाँ पर देखिए अमचूर मेरे सूख गए हैं, ये इनको 1 साल के लिए हम स्टोर करके रखते हैं, एक जालीदार कपड़े में इसको बांध देते हैं, और महीने में एक बार इसको धूप जरूर दिखाते हैं, ताकि ये कीड़े लग के ख़राब ना हो। तो फटाफट से जो है मैं कपड़े मैंने धो लिए थे, सब इनको मैं सुखा देती हूँ। उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे नीचे, अभी मुझे और भी नीचे काम करना है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। 3 बर्तन में मेरी मलाई पड़ी थी, कब से सोच रही थी बनाऊंगी बनाऊंगी, कभी कुछ हो जा रहा था तो ये मेरी मलाई बनानी रह जा रही थी। तो मैं फटाफट से मलाई जो है मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। मैं अपनी मलाई को फ्रिज में नहीं स्टोर करती हूँ, फ्रीजर में रखती हूँ, तो इसमें बर्फ़ जमी थी तो मैंने पहले निकाल कर बाहर रख दी थी। और अब मैं जो है एक बर्तन में मेरी अभी जो है बर्फ़ है ही, तो वो अभी पिघली नहीं है, उसको मैंने बाहर निकाल कर रख दिया है। तो अब इतना सारा काम करने के बाद थोड़ा सा मुझे भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ पर तरबूज खा रही हूँ। भूख मिटाने के लिए मैंने तरबूज खा लिया था यहाँ पर, और क्या खाती, और कुछ मैं भी अभी लगा नहीं हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना तरबूज ही काट कर खा लिया जाए। साथ ही मेरे यहाँ पर घी भी बन के तैयार हो चुका है, मैंने जो है पिघलाने के लिए रख दिया था। ये मेरा मट्ठा है जो मैंने अभी मलाई नहीं बनाई थी उससे निकला था। अभी मेरा एक डोंगा अभी यहाँ पर बचा हुआ है, इसको भी बनाऊंगी। उसके बाद इस मट्ठा का जो है मैं पनीर बनाऊंगी, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। और घी मेरा ठंडा हो गया, इसको मैं भर लेती हूँ एक डब्बे में। यह है मेरा दिन का खाना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।